वेलकम एवरी वन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अवर यूट्यूब फैमिली। आई होप आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही होगी। अभी तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पकाने जा रहे हैं मैंगो डेजर्ट और आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। नो बेक केक भी कह सकते हैं, मैंगो केक भी कह सकते हैं, मैंगो डेजर्ट भी कह सकते हैं। तो आइए आपको इसके इंग्रीडियंट्स दिखाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 4 आम 4 मैंगोज। इसमें से 2 मैंगोज जो है वो मैंने इस तरह फाइनली चॉप कर ली हैं और 2 मैंगोज रफली कट कर ली हैं। इसका हम प्योरी बनाएंगे। 3 टेबल स्पून कॉमेल अलग अलग टाइम पे यूज़ करेंगे। 1/2 कप कॉमेल यूज़ करेंगे प्योरी के अंदर। 1 कप क्रीम का पैकेट है, आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। ये 1 कप दूध है, ये 2 कप था, इसको इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। और ये 1/2 कप ठंडा दूध है जो नॉर्मली हमारे पास घरों में होता है। ब्रेड स्लाइसेस लेने हैं अकॉर्डिंग टू योर डिश साइज, डिश के साइज़ के हिसाब से आपने ये लेने हैं और इसके पीसेस करने हैं। रफली चॉप जो मैंगोज थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये 1 कप मिल्क जो मैंने पकाया था वो मैं ऐड करूँगी इसमें। अब 1/2 कप मिल्क जो पहले से रखा हुआ था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये कॉमेल, में 1/2 कप कॉमेल आपने यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें डाल के हमें इसे ब्लेंड करेंगे और इसकी प्योरी रेडी कर देंगे। प्योरी आप देख सकते हैं हमारी रेडी है। अब जो चंक्स रखे थे स्मॉल क्यूब्स करके मैंगो के, उसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कॉमेल। और कॉमेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब जो ब्रेड स्लाइसेस हैं आपने इसके साइज के हिसाब से कट करने हैं, इसके एजेस कट नहीं करने हैं। वन बाय वन आपने ऐसे रखना है, एजेस कट नहीं करने। ब्रेड के ट्रे के साइज के हिसाब से आपने ब्रेड कट करने हैं और आपने इस तरह इसको लेना है, इसमें डिप करना है, ज़्यादा डिप नहीं करना वरना ब्रेड जो है वो टूट जाएगी। इस तरह इसको डिप करना है और निकाल लेना है। और निकालने के बाद आपने ट्रे में इसको रखना है ऐसे। दूसरा स्लाइस का पीस लेना है, ब्रेड का पीस लेना है, इसको इस तरह रखना है, इसमें डिप करना है, पूरा कोट करना है। और इसको भी रखना है ऐसे। इसलिए यार हमारी डन है। अब ये जो चंक्स में कॉमेल मिला के रखा था, अब मैं इसको इस पर स्प्रेड करूँगी। ये आप देख सकते हैं जैसे स्प्रेड कर दिया। अब मैं सेकंड लेयर रेडी करूँगी। इसी तरह ब्रेड की स्लाइस लेकर इसको डिप करूँगी इसमें। इसमें भी इस तरह मैंगो के चंक्स ऐड करूंगी। सेकंड लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो क्रीम का पैकेट था उसमें से मैंने क्रीम निकाल के एक बॉल में निकाल ली है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून कॉमेल। 1 टेबल स्पून मैंने मैंगो में मिलाया था, 2 टेबल स्पून मैं इसमें मिक्स करूंगी। और 4 टेबल स्पून मैं ये प्योरी लूंगी। इस प्योरी में से 4 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, जस्ट क्रीम को मीठा करना है। 6 टेबल स्पून ले लेती, 5 टेबल स्पून ले लेती हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं ये पूरा जो क्रीम का बैटर है ये मैं इस पर मिक्स ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करती है। अब ये जो प्योरी है उसकी मैं जस्ट डिजाइनिंग करने के लिए लेयर्स बनाऊंगी।
लेयर्स डालने के बाद एक शार्पनिंग स्टिक से आप इसको मार्बल इफेक्ट दे सकते हैं। डेजर्ट हमारा रेडी है। इसे आपने 4 आवर्स के लिए फ्रिज में रखना है ठंडा करने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये हमारा यम्मी सा मैंगो डेजर्ट रेडी हो चुका है, मैंगो डेजर्ट केक। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी प्लेटिंग। केक आपने स्क्वायर में इसको शेप देना है और फिर इसको कट करना है। देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा इसका शेप और कलर है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और ये डिफरेंस है मैंगो डेजर्ट केक, आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।